हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लड़की बहुत बुरी है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने बैटरी नहीं लगाई मोबाइल में, तो ये बहुत बुरी है। मार्केट जाना है, अभी बताती हूँ। मार्केट जाना है, मैं तैयार हो रही थी, सनस्क्रीन वगैरह लगा रही थी, तो मतलब बातें कर रही है, मतलब किससे कर रही थी, भतीजियों से बातें कर रही, फोन चार्ज पे नहीं लगा रही। तो बहुत बुरी है, तूने मुझे कहा क्यों नहीं लगाया, अभी लगा ली। अब अच्छा सॉरी, मैं लगा लूंगी बस। अभी हमें रुकना पड़ जाएगा ना, फिर बस मैं इंट्रो बना लूं। क्या करूं मैं, इनका माँ है ना, मेरे लिए और कुछ कर भी नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं। तो गाइज आज है 12 जून और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा आ चुका है। तो खालू ले आए थे रात में, अब कन्फ्यूज़न ये हुआ, खालू मतलब मेरी जो बेस्ट वाली खाला हैं उनके हबी, तो रात वो अपने बकरे लेने गए थे तो हमारा भी ले आए थे। तो अभी हम अपना बकरा देखने जाएंगे क्योंकि उन्हीं के घर पे है अभी हमारा बकरा, बाद में आएगा हमारे घर पे। तो मैंने सफाई वगैरह कर ली, सब चीज़ें कर ली, फिर हम शॉपिंग पे भी जाएंगे क्योंकि मुझे ईद का सूट भी लाना है और खाला के लिए भी सूट लाना है, और हाँ दूसरी कुर्बानी भी करेंगे तो उसके भी पैसे देकर आने, मतलब जो हिस्सा करेंगे हम, जो लोग जानते हैं उन्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो चलो बकरा भी दिखा देंगे आपको, और ज़किया तो खाला के ही घर पे गई है क्योंकि उससे ज़्यादा जल्दी थी, तो मैं नहा रही थी, तो मैंने आज अपनी बो लगाई है और मैंने ये सूट स्टिच करा है और मैं दूसरा सूट लेने जा रही हूँ, अपने ईद का भी सूट लेने जा रही हूँ, तो सब आपको दिखाऊंगी जैसे कि मैं हमेशा से शॉपिंग दिखाती हूँ। और मेरा ना मन था कि मैं मीशो हॉल बनाऊँ, लेकिन मेरे जो पार्सल है ना इतनी लेट आ रहे हैं ना, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं देखती हूँ बनाऊँ या ना बनाऊँ। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए मैंने मीशो से, बहुत सारे कपड़े मंगाए हैं, तो सब मैं आपको दिखा दूँगी। अगर एक दो प्रोडक्ट रह भी गए तो मैं आपको लास्ट के चांद रात वाले ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो चलो अभी चलते हैं, पहले फ़ोन चार्ज करते हैं, और जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो उनका दिल से शुक्रिया। मैंने सिला है अपना नया सूट, तो मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। सो गाइज ये है मेरा सूट, ऐसे करो मम्मी, मेरा कैमरामैन बाहर गया हुआ ना इसलिए। और मैंने बहुत टाइम के बाद शलवार बनाई है, तो मुझे ना आज रील्स बनानी है हरियाणवी सॉन्ग पर। तो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, निशा अंसारी 9999 से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर, सारी रील्स देख लेना। बाकी मैं कुछ कुछ तो यहाँ पर यूट्यूब पर भी शॉर्ट अपलोड कर देती हूँ, बट सारी जो मिलेगा कॉम्बो सारा वहीं पर मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। मैंने वो भी लगाई है पीछे, ये मैं बहुत पहले लाई थी, मुझे नहीं पता था ये सूट पे चली जाएगी। और कुछ भी दिखाती हूँ। सो गाइज मुझे चूड़ियाँ पहनने का कितना शौक है, ये बस मुझे जो मुझे पर्सनली जानते हैं वही पता होगा। वैसे मैं रील्स बनाती हूँ इसलिए मैं चूड़ियाँ लाती हूँ, तो ये मैचिंग की चूड़ियाँ लेकर आई थी मैं, जिस दिन ये सूट लेकर आई थी ना उसी दिन चूड़ियाँ लेकर आई थी, और इस पर बड़ा बवाल हुआ था। मेरी अम्मी रिक्शा में बैठी थी, मैंने कहा तुम जाओ, मैं तो बिना चूड़ियों के नहीं जाऊँगी। तो मुझे रील्स बनानी है, और क्या पता मैं खाला के घर पर ही बना लूँ क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास इतना। तो मेरा फ़ोन आ रहा है, ये देखो गाइस मेरी चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही है, मेरा साइज बहुत छोटा है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए, अरे मेरा फोन, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं मार्केट। तो मैं अपना सूट वगैरह वहीं से लूँगी, आप घर लाकर आपको दिखाऊंगी, और कुछ कुछ होगा तो शूट कर लूँगी, ठीक है, बाकी फ़ोन लेकर जाऊँगी। तो चलो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पैक कर दिया दुपट्टा नहीं है, नहीं दुपट्टा अलग से लेना पड़ेगा। गाइस हमने इस वाले शॉप से लिया है, मतलब फ्रूट मार्केट में आओगे तो ये वाले सारा कलेक्शन लगा हुआ, सिर्फ इन्हीं की शॉप पर है और किसी के भी नहीं है। हमने अंदर से लिया, चले बन गई बस वही बहुत है। तो हम यहाँ पे शिकंजी पी, और हमने खाला का सूट ले लिया, पता नहीं खाला वो कैसे लगेगा, मुझे तो वो रेड वाला ही अच्छा लगा। खाला
अलग वाला सूट ले लिया, अब हम थान वाला सूट ले रहे हैं। यहाँ पे सारे थान के सूट लगे हुए हैं और ये फ्रूट मार्केट में तुम आपको दिखाती हूँ। ये सारे कलर लगे हुए हैं और इसी में से मैं जकिया लेकर गई थी खाला का और मैंने भी सेम ही लिया था और ये सारे कलर लगे हुए हैं यहाँ पर A to Z। तो ये थान वाला कपड़ा होता है, तो खाला ने मतलब कहा है कि कुर्बानी वाले दिन पहनूंगी मैं, तो ऐसे ले आना दुपट्टे वाला। तो दुपट्टे मिलेंगे इसके साथ में, सारे कलर मिलेंगे। और मैंने ये वाला सिलेक्ट किया खाला के लिए क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली उनके लिए वाइन कलर लिया, डार्क वाइन, तो इसलिए वाना मुझे ये पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो इसके बहुत सारे डिज़ाइन है, एक ये है, एक वो वाला है और एक इधर लगा हुआ है भैया के पास है। कितना है? स्वागत है गाइस हम इस वाली शॉप पर और यहाँ पर सारे थान के कपड़े लगे हुए हैं। मैं यहीं से अपना कपड़ा लेती हूँ और ये देखो जो मैंने पहन रखा है ना, और अभी मुझे बातें सुना रही है कि मतले लेकिन मुझे अपने इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनानी पड़ती है, तो मुझे ना रेशमिन कपड़े पहनने में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उनकी चमक ख़त्म नहीं होती है। तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, अब मैं ये वाला कलर ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मरून। ये फॉल का डॉट वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है सी। मेरी अम्मी मना कर रही है लेने के लिए कि व्हाइट और ब्लैक कपड़े नहीं लेने, तो मैंने ये वाला लिया। हाँ और ये वाला लिया, ये बहुत प्यारा लग रहा है मेरे ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बाकी ये वो कपड़े लेती हूँ मैं जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ और जिनमें मैं रील्स बनाती हूँ बाकी कहीं उसके लिए। और मैंने अपने पाकिस्तानी सूट ले लिए ईद के लिए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि लोग कैमरा ऑन होता ही पता नहीं कैसे कैसे देखने लगते हैं। आप समझ सकते हैं सिलमपुर बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं, मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी। बस बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट है, मैं बाहर से भी शॉप दिखा दूंगी। मैंने ये वाला कपड़ा लिया है और मुझे ये भी बहुत पसंद आ रहा था, बट मेरी मम्मी कह रही है कि अभी तो मेहरून कट आया है ये वो, तो सारे कलेक्शन है इनके पास। और जो भी रेशम कपड़े खरीद पहनना प्रेफर करते हैं मेरी तरह, तो वो यहाँ आकर ज़रूर विज़िट करें एक से एक, और ये भी बहुत प्यारा है। चलो सो गाइस शॉपिंग हमने कर ली है सारी, मैंने अपने सूट भी ले लिए हैं, सब आपको घर जाके दिखाऊंगी। और वो हंस रहे थे कि तुम्हारी मम्मी मना करती है कि तो तुम इतनी शॉपिंग क्यों करते हो, तो भाई शॉपिंग करना ज़रूरी है, इनको तो ऐसे ही तो ऐसी बोलती रहती हैं, ये तो मुझे कुछ लेने ही ना दे। अच्छा मैं मुझे मेहरून चुनी भी दिला देना। नहीं मेरे पास रखी हुई है, अभी बहुत सारा काम है। और अम्मी ने भी अपना सूट लिया है, खाला के लिए भी मैंने सेम लिया, सब आपको घर जाकर दिखाऊंगी। अपना पाकिस्तानी सूट भी दिखाऊंगी क्योंकि मुझे उसे स्टिच पर डालना है। चलो बहुत हो गई बात है, अब यहाँ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं पागल हूँ कैमरे से बातें कर रही हूँ। ओहो ये देख रहे हो, बूस्ट करती है मुझे पीछे से, क्यों क्यों देख रहे हैं, बनाओ तुम। तो चलो हम घर जाके मिलेंगे आपसे। सो गाइज यहाँ पर हम आ गए थे कसाई मतलब शॉप पर जहाँ से हमारा गोश्त आता है, तो हम हिस्से के पैसे देने आए थे। अच्छा हमने जो हिस्सा किया वो 6000 वाली भैंस में किया, मतलब 6000 का हमारा हिस्सा, और भाईजान ने भी उसी में किया और मेरे खाला के लड़के ने भी उसी में किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कबूल करे अल्लाह ताला कुर्बानी। गए खाला के घर पर और पहले भाभी के घर पे गए थे और मेरा वहाँ सूट की पिन्नी रह गई है, तो जाते वक्त मैं लूँगी एक सूट की, जो हम पाकिस्तानी सूट लाए ईद के, वो भाभी के घर पे रह गई है। और चलो मैं आपको अपने बकरे दिखा देती हूँ, मतलब हमारा तो एक ही बकरा है। और हिस्से की जो स्लिप भी थी हमने कटवा ली है, भाईजान के हिस्से की भी स्लिप कटवा ली, माशाल्लाह भाईजान भी हिस्सा कर रहे हैं। और चलो मैं आपको अपने बकरे से मिलाती हूँ। हमारा बकरा गोलू गोलू और ये सीधा है, बहुत ज़्यादा सीधा है। और ये दोनों खाला के हैं, ये कल्लू और ये भूरा, और दोनों इतना आतंक उतार रहे हैं ना, देखो सारा पेंट खा गए उसका, पेंट खा गए ना खाला, ये सारा पेंट खा गए दरवाजे का, ये देखो दोनों बहुत दंगा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये जोड़ी में आए हैं तो ये हमारे बाबू को मार रहे हैं गोलू मोलू को, मुझे लग रहा है ये पत्ते हो, पत्ते देखो क्या गया। और ये हमारा बाबू है, छोटू सा बाबू मेरा बेटा, बातचीत ही कर रहा माशाल्लाह बहुत प्यारा। अभी तो ये बैठा हुआ है, जब हम इसे घर पे लेकर जाएंगे जब आपको दिखाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वाला तो अम्मी का है जो मैंने अम्मी के लिए लिया था, और ये खाला के लिए अभी जो मैंने लिया है। डिज़ाइन थोड़ा सा इनमें अलग अलग है देख सकते हो आप, बट
हाँ थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग है, बाकी मैंने खा अलग ली प्यारा सा वाइन टाइप में ही आता है, तेज जामुनी भी कह सकते हैं, जामुन कलर भी बोल सकते हैं, ये लिया था मैंने खा अलग लिया। और ये वाला लिया था थान वाले सूट में से, ताकि ये तो मैं ही सिल स्टिच कर दूंगी, अभी ले जाऊंगी तो कटिंग वटिंग करके मैं सिल दूंगी। ये इसकी शलवार है, ये इसकी कमीज़ है, और इसका दुपट्टा है कॉटन का। तो बहुत ही प्यारे प्यारे सूट मिल रहे हैं सिलमपुर में। और दुपट्टा कहाँ गया, दुपट्टा कहाँ गया मम्मी इसका? हाँ ये इसका, ये है इसका दुपट्टा, ये इसका प्यारा सा दुपट्टा है। और इसमें दुपट्टा नहीं आएगा गाइज, ये विदाउट दुपट्टा ही आएगा। और जो शॉप मैंने दिखाई आपको वहीं पे ये मिलेगा। वैसे मैंने तो अभी तक किसी और की शॉप पे देखी है मम्मी, और किसी की शॉप पे मैंने देखा नहीं है ये वाला, सिर्फ उनके ऊपर है, उनके पास ही। और ये मैंने सूट लिया है, ये तो मैंने दिखाया, बाकी वो जो पाकिस्तानी वाले जो सूट जो मैंने लिया वो पिन्नी भाभी घर पर, तो मैं घर जाकर दिखाऊंगी आपको, ठीक है? चलो। सो गाइज मैं आ गई थी घर पर, और फिर मैं कटिंग करने बैठ गई, तो मैंने कटिंग कर ली है अपना ये वाला सूट जो मैंने अभी खरीदा है रिसेंटली, मैंने इसकी कटिंग अभी कर दी है, क्योंकि मैं रील्स बनाती हूँ ना, तो इसलिए मुझे कपड़े चाहिए, बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए, तो मैं ना ऐसे कपड़े ले आती हूँ, और स्टिचिंग के पैसे बच जाते हैं, मतलब कुछ कुछ कभी मेरा मन नहीं होता तो मैं स्टिच करा लेती हूँ, बट जो घर में डेली वेयर के या रील्स के लिए मैं कपड़े बनाती हूँ वो मैं घर खुद से सिल लेती हूँ। बाकी कुछ डिज़ाइन वगैरह, जैसे मैं अभी पाकिस्तानी दो सूट लेकर आई हूँ, तो वो मैं आपको भी दिखाऊँगी, क्योंकि वो तो मैं मतलब बाहर ही स्टिच कराऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे खाला का सूट स्टिच करना है जो मैं अभी बता रही थी आपको। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ दोनों सूट जो मैं अपनी ईद के लिए लाई हूँ, क्योंकि मुझे अभी तो टाइम हो गया, कल मैं उन्हें स्टिचिंग पे डाल कर आऊंगी। तो सुंदर, अति 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 सुंदर, देखिए वाला इसका ये दुपट्टा है। बाकी मैंने ये वाला कमीज कट कर ली है, खाला की शलवार और खाला की कमीज ना वहीं रह गई है, दुपट्टा आ गया था, तो अब खाला के आएगी तो कमीज लेकर आएगी उनके घर से, बकरा भी आएगा ना अभी हमारा, तो अब मैं आपको बकरा भी दिखाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ मेरे पास ना मरून प्लाजो है, तो मैं सोच रही हूँ इसकी ना शलवार सिलवा लूँ, सिल लेती हूँ खुद से, क्योंकि थोड़ा सा ना फिर लुक थोड़ा अलग हो जाएगा अगर मुझे प्लाजो पहनना होगा, तो ऑलरेडी मेरे पास है एक सूट पे मैरूनी सूट है, वो मेरा देखा होगा रील्स वगैरह में, तो सोच रही हूँ इसकी शलवार सिल लूँ, शलवार भी प्यारी लगेगी, तो नया लुक। और ये देखो नोनी, जब भी मैं स्टिचिंग करने बैठती हूँ ना गाइज ये ऐसे ही आ जाता है और मुझे बहुत प्यार करने लगता है, अभी सो रहा है इसको, आज मैं घर पे बंद करके गई थी, क्योंकि आपको पता ही होगा अपने शॉर्ट में अगर नहीं देखा तो वो मैं डालूंगी, देख लेना इसको ना, बिल्ले ने पकड़ लिया था तो काफ़ी इसको चोट आ गई थी आँख वगैरह पे, पंजे वगैरह पे, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इसका पंजा ये ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसको चोट लगी थी लेकिन अभी ये ठीक है, मेरा बच्चा अभी सो रहा है। गाइस हम खा रहे हैं यहाँ पर खाना, और अभी भी हमारा बकरा आया नहीं है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। और ये देखो नोनी, नोनी नोनी को आ रही खुशबू, और नोनी हो जाएगी पागल, नोनी माऊ एक दे दो भाई, नोनी को एक दे दो, एक हक तो बनता है नोनी का, एक बनता है, गरम हो रही होगी बहुत, नहीं इस पे रख के खा लो इस पे। चलो हम खाना खाते हैं फिर, हमारा बकरा आ चुका है, नोनी का रिएक्शन देखो बकरे का, देखकर नोनी अपना रिएक्शन दो अपना रिएक्शन देखो, इसको कितना डर लगता है, देखो जब भी हमारे घर में ऐसा कुछ आता है ना तो इसको देखो कितना डर लग रहा है, और इसके डर की निशानी इसकी आंखें ना काली हो जाती हैं, देखो वो लाल मग्गे में पानी रख रहे हैं, इसको देखो डर बहुत है इसके अंदर। हाँ ये देखो नोनी हर चीज से इसकी आवाज लग रही है, नोनी हर चीज से डरती है, ये देखो सूंघ रही है उसको, ये ओ नोनी नोनी तो हर चीज से डरती है, हमारे घर पे कुछ भी आ जाए तो माशाल्लाह हमारा बकरा आ गया है, ये देखो नोनी की चिच लग रही है इसके सामने, बाबू सी बिल्कुल, देखो नोनी देखो ये देखो ये देखो अरे बाप रे, पानी मत पीना बस,
ये देखो, ओहो देख तो लो मुंह से मुला। नोनी बस करो, कितना प्यार करोगी आप। वो शाकाहारी है और आप मांसाहारी हो, अच्छा नहीं लगता इतना मिलन। गाइस नोनी यहाँ पे लेट गई है और ये हमारा बकरा भी बैठने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये बैठ जाएगा। और टाइम हो रहा है देखो 12:10 हो रहे हैं। अब बस ये भी आराम करेगा, इसके पत्ते मंगाए वो खाएगा ये। और ये देखो नोनी भी सो रही है। तो गाइस चलो हम व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और मैं इस व्लॉग के कर रही हूँ एंडिंग, और इसे भी ले लेती हूँ क्योंकि आज सुबह से मेरे व्लॉग में नहीं थी ये। बस इसने चैनल इसलिए बनवाया था ताकि ये TRP बटोर सके, जो हो ही नहीं। नाइस, ये सच बोल दिया इसने खुद। नहीं इतना सच नहीं बोल रहा है, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ वन डे इंशाल्लाह। तो बस अभी हम चल रहे हैं आराम करने, और यह हमारा बकरू भी हमें देख रहा है। नोनी बकरे को ही देखे जा रही है। नोनी तो तू खा जा बकरे को, बकरा तो जो खा जाएगा। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और शॉपिंग कैसी लगी बता देना कॉमेंट में, किस किसी ने शॉपिंग कर ली ईद की ये भी बता देना। और चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।